यहाँ बस स्टैंड में जो है गंदगी बहुत है, गंदगी के साथ साथ यहाँ पर जगह नहीं है, सड़क टूटी फूटी है, सड़क पर लुक नहीं है, बस स्टैंड आगे भी सड़क टूटी हुई है, यहाँ पर लुक पड़नी चाहिए और गंदगी गंदगी साफ होनी चाहिए यहाँ पर। बना रोड का ड्राइवर हूँ, कम से कम 20 साल हो गए चलते सर। हमें ऑटो टेम्पू शैम्पू वालों का बहुत दिक्कत आ रही है, जहाँ पे बस लगाने की जगह नहीं है, जाम होता है 24 घंटे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, यही चाहते हैं कि हमारा बस स्टैंड जो है वो सेफ होना चाहिए। मैं बस स्टैंड रामबन से आपके चैनल का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे मसले को उठाने का जो जागरण जो जिम्मेदारी उठाई है, तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ के जो तमाम जो मसाइल हैं जो अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत से जो है गाड़ियाँ जो हैं दरमंदा रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह की बहुत ज़्यादा कमी है और रेडियो का भी जो है यहाँ पर जो निज़ाम है वो जो है साइडों पर जो लगी हुई हैं, इनके लिए भी काफ़ी दिक्कत जो है मुश्किलें पेश आती हैं। मैंने देखा होगा ये सारा मेरे नॉलेज में, यहाँ से रेडियाँ लगी और पीछे भी रेडियाँ जो रेडियाँ हैं उनमें इतना वो, शाम को जब सब्ज़ी वाले बंद करके जाते हैं सारी गंदी सब्ज़ी अपने वहाँ पर फेंक देते हैं बस स्टैंड में, बारिश में तो उधर चला नहीं जाता बिल्कुल। मेरी नॉलेज में लाया, मैं म्यूनसिपल अथॉरिटी से बात करूँगा, जो एक्सपी ऑफिसर है वो थोड़ा सा देख लें, खासकर जो आपने रेडियाँ वेडियाँ वो कहा है, जो रेडियाँ वो भी वो देख लेगा कि जो अनऑथराइज्ड रेडियाँ लगी हैं कम से कम उनको तो हटा लेंगे। देखिए मैं आपसे ये वादे करूँ कि बस स्टैंड की तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमारी नॉलेज में है, छोटा सा बस स्टैंड है यहाँ पे, कोई मुझे लगता है 5-6 कनाल का टोटल बस स्टैंड होगा। तो एक्चुअली तो सिकेस्टर लैंड है ही यहाँ पर, लैंड की बड़ी कमी है, तो उसके साथ में एक हमारी मलबरी प्लांटेशन है, तो हमने टेकअप किया हुआ उनसे, वो कोई 32 कनाल का है, उन्हें टेकअप किया हुआ है। एक हमने इसमें प्रपोजल भी बनाया, DBR भी बनाया कि हम किस शेप में इस जो नया बस स्टैंड बनाएंगे, तो जो ही उनसे नॉर आ जाती है, उनसे आ जाता है कि हम ये लैंड आपको दे देंगे तो हम बस स्टैंड एक्सटेंड करेंगे। ADDC रामबन से गुजारिश है कि इस मसले का नोटिस लें और आप सभी स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल करके उनको याद दिलाएं। कि आपने देखा रामबन टाउन की साफ़ सफाई का निज़ाम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और लोग इससे पार पाने के लिए जगह जगह बुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा प्रशासन नींद से कब जागेगा और यहाँ रामबन की तरफ थोड़ा तवज्जो देगा। मैं ताहिर मुश्ताक रामबन से, कश्मीर अनहर्ड के लिए।